गुना शहर के जयस्तंभ चौराहे स्थित प्राचीन मंदिर जहां पर कब्जा बनाए बैठे दुकानदारों को नोटिस देकर वहां से हटाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दुकानदारों का कहना है कि उन्हें जबरन वहां से हटाया जा रहा है। इस मामले में जब हमारी टीम ने पड़ताल की तो मामला कुछ और ही सामने आया। कई लोगों का कहना है कि मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण करके दुकानदार बैठे हैं। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि मंदिर ट्रस्ट के महंत के पास सभी वाजिब दस्तावेज मौजूद हैं। इसी के साथ ही सभी दुकानदारों को मंदिर ट्रस्ट ने हटाया है, उनसे बाकायदा सरकारी कागजातों पर लिखा पढ़ी की गई है। इसके बाद कुछ दिन में दुकानें बनकर तैयार हो जाएंगी, उसके बाद इन दुकानदारों को सुपुर्द करा दी जाएंगी। मंदिर की ओर से कहा गया कि वहां बनी दुकानें काफी पुरानी थी और कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता था, इसलिए मंदिर ट्रस्ट ने इसकी पुरानी इमारत व दुकानों को तोड़कर नया भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया है, जिसके चलते इन दुकानों को खाली कराया गया है। वहीं मंदिर के महंत पंडित वैद्यनाथ पुरी के अनुसार इस मंदिर को पुनः जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसके बाद इन दुकानों को खाली कराया गया है, उन्हें बकायदा दुकान वापस दी जाएंगी। हालांकि महंत की बातों से दुकानदार भी सहमत हैं। उनका कहना है कि दुकानें काफी पुरानी हो चुकी थी और कभी भी कोई हादसा घटित हो सकता था, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से दुकानें मंदिर के सुपुर्द कर दी। दुकानें बनने के उपरांत दुकानें उन्हें वापस दे दी जाएंगी। इसी के बीच नेता इस जमीन पर निगाहें टिकाए बैठे हैं। साल पुरानी है। क्यों तोड़ी गई है, क्या कारण? ये साल पुरानी थी इसलिए तोड़ी गई है, पानी मानी डरता गिरने का इसलिए तोड़ी गई है। तो यहाँ पर सहमति थी हमारी, आपकी सहमति से टूटी है दुकान? ये सबकी सहमति से तोड़ी गई। कुछ लोगों ने यहाँ पे आरोप लगाया कि यहाँ पर जबरदस्ती दुकानें तोड़ी जा रही हैं हमारी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपकी सहमति से टूटी है सबकी। तो यहाँ पर क्या निर्माण दोबारगी से होगा या नया निर्माण होगा? दुकान बना के दी जाएंगे। ये दुकानें पुरानी हो गई थी, पुरानी टपकता था, छत गिरने का डर था, इसलिए सहमति से तोड़ी गई है। अच्छा, आप सभी की सहमति लगी है? अच्छा, कुछ लोगों ने आरोप लगाए यहाँ पर कि जबरदस्ती ये मंदिर की दुकानें तोड़ी गई हैं, तो दुकानदारों की सहमति? अच्छा, सभी की सहमति लगी है। दुकान थी श्री राम बाग के नाम। तो यहाँ पे आपकी दुकानें टूटी गई, आपकी सहमति लगी यहाँ पे? हाँ साहब, सहमति। तो क्या कारण था दुकान तोड़ने का? मंदिर बहुत पुराना है और जीर्ण शीर्ण हो गया था। मंदिर का मामला ऐसा है कि पुराने 100 साल से मंदिर है और जो पुराने दुकानदार थे अवैध कब्जाधारी, इनके पास कोई कार्य नहीं थे, तो उनने अपना सहमति दे के हमको निर्माण करने की आदत दी है कि भाई हम आपको जो है व्यवस्था करेंगे दुकान बनाने की, और सहमति पत्र देते हुए उन्होंने अपन से बोला कि निर्माण करिए, हमारा अपना निर्माण है केवल गेट बनाएंगे मंदिर का, और वहाँ की जो जिनकी पुरानी दुकानें जो थी उनको जैसी की तैसी बना के दे देंगे, ऐसा उन्होंने अपन को सहमति पत्र दिया है, ठीक है ना। बाकी और जो दुकानदार जो शिकायतें कर रहे हैं वो सब अवैध हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने लोगों की दुकान जो करीब 40 साल तक थी? हाँ, 4-5 दुकानें तो यहीं थी, आगे परमानेंट जो पुराने 50 या उनके लिए वापस बना के दे दी जाएंगी। हाँ, बाकी पीछे भी दुकानें हैं, पीछे भी उनका भी हो गया सहमति। और मंदिर के उद्धार के लिए क्या? मंदिर के लिए गेट बनाएंगे बड़ा जीर्णोद्धार में, फिर पीछे सत्संग हॉल बनाएंगे, नक्शा बनवाया उनका पूरा, और जो है लक्ष्य के द्वारा सब काम होगा। आपका शुभ नाम पंडित? मेरा नाम महंत वैद्यनाथ पुरी, पंचायत श्री आनंद अखाड़ा, दस नाम नागा सन्यासी, कपिल धारा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। मैं यहाँ संचालक महंत हूँ अभी पुराने 10-12 साल से, तो ऐसा अखाड़े ट्रस्ट समिति के द्वारा ऐसा आदेश आया कि निर्माण हो ऊपर तक, वाराणसी से ऐसा आदेश है, ठीक है ना। हेड ऑफिस अपना वाराणसी है।